वेरी नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? इस सोच के साथ कि आप सब लोग बड़े अच्छी तरह से साइंस पढ़ रहे होंगे और अपने जो लॉजिक हैं वो मोर साइंटिफिक कर रहे होंगे, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी जो है थोड़ी जनरल थ्योरी से डिफरेंट रहती है। जो जनरल थ्योरी होती है वो इन्फ्लुएंस रहती है हमारे इमोशंस के साथ, हालांकि वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन मोस्टली वो डिपेंड किस पे करती है? हमारे इमोशंस के ऊपर। इसलिए वो थ्योरी को हम लोग साइंटिफिक नहीं मानते। साइंटिफिक थ्योरी कोई हमें कहे कि क्या है, तो वो जो हम अपना लॉजिक देते हैं, हम जो कहानी देते हैं सिंपल सी किसी फिजिकल के ऊपर, वो अलग है, साइंटिफिक थ्योरी अलग होती है। साइंटिफिक थ्योरी क्या रहती है? ये हमारे पास सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज होते हैं जिससे इन टर्म्स ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन। जो फिजिकल कोई सिस्टम है हमारे पास, फिजिकल सिस्टम यानी कि जो कोई हैपनिंग हो रही है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, तो वो जो जिन लॉ को यूज करके हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो स्टोरी है दैट्स कॉल्ड द साइंटिफिक थ्योरी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी क्या है, ये ए सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन टर्म्स ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड। कि कोई फिजिकल सिस्टम है उसका ये बिहेवियर क्या है, क्यों ये ऐसा वर्क कर रहा, तो जिन लिमिटेड नंबर ऑफ लॉ के सेट का हम इस्तेमाल करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स कॉल्ड द साइंटिफिक थ्योरी। जो गुड साइंटिफिक थ्योरी होती है वो सिर्फ जो एग्जिस्टेड नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिनको हम समझ चुके हैं उन्हीं को एक्सप्लेन नहीं करती है, बल्कि जो अभी तक नहीं हुई है, जो कोई नई नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसको प्रेडिक्ट कर सकती है, उसको एक्सप्लेन कर सकती है। साइंटिफिक थ्योरी ये नहीं है कि हम कहें कि कभी चेंज नहीं हो सकती, कुछ डिस्क्रिपेंसी पे हम लोग साइंटिफिक थ्योरी को चेंज भी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन बाद हमने जब डिस्टेंसशिप को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये फ्लैट नहीं है, फिर एक स्फेरिकल अर्थ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमारी जो साइंटिफिक थ्योरी थी वो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट के साथ पहले वाली को चेंज कर दिया उसने। जैसे पहले हम लोग कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब था जो मीन अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, तो बाकी प्लैनेट्स में हेवनली बॉडीज के अधीन घूमते रहते हैं। लेकिन बाद में जब हमने इसको मोर कंसिस्टेंटली एक्सप्लेन किया तो हमारे पास एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहती थी कि सन जो है सेंटर में है और इसके अधीन प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं इन द सोलर सिस्टम। ऐसे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे सबसे पहले कॉर्पसल की थ्योरी थी न्यूट्रंस की, हमारे पास लाइट के ऊपर कि लाइट जो है छोटे पार्टिकल की बनी होती है और पार्टिकल मूव करते हैं। लेकिन उसके बाद हाइजंस की न्यू थ्योरी आई जिसको हम लोग कहते थे कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी लाइट ने भी कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी कि जो लाइट होती है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटॉन कहते हैं, बड़े से फोटॉन से बनी होती है, प्रोपोगेट करती है। और उसके बाद डी ब्रोगली की ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन आई कि रेडिएशन बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो ये वो थ्योरीज थी जिन्होंने पहले कंसेप्ट को थोड़ा या तो मॉडिफाई किया या बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ऐसे हमारे पास आज भी ढेर सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनके एस्पेक्ट को आज तक कोई भी साइंटिफिक न्यू लॉ या एविडेंस उसको चेंज नहीं कर पाया, या उनमें जो सब्सटेंशिएटेड उसमें वेरिएशन नहीं ला पाया। साइंटिफिक थ्योरी की जो डेफिनेशन हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस देती है वो इस तरह से रहती है कि साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है कि ये हमारे पास एक कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ किसके नेचर के ऊपर, या किसी सम एस्पेक्ट ऑफ नेचर के ऊपर जिसको सपोर्ट करते हैं वास्ट बॉडी ऑफ एविडेंसेस। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक सोसाइटी से डेफिनेशन आई है तो हमें इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं साइंटिफिक थ्योरी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ये क्या है कि एक कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एस्पेक्ट सम
एस्पेक्ट ऑफ नेचर दैट इज सपोर्टेड बाई ए वास्ट बॉडी ऑफ एविडेंसेस, कि हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, वो प्रूफ इसको कहते हैं कि जो किसी भी नेचुरल एस्पेक्ट को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करती है और जिस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करती है ह्यूज बॉडी ऑफ एविडेंसेस, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक थ्योरी, इज कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी, इज कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी। ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक थ्योरी है। और इस डेफिनेशन को दिया है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। हमारे पास बड़ी सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको आज भी हम लोग बेस मानते हैं और उनको बिल्कुल हमने उसको चेंज नहीं किया है। जैसे ग्रेविटी पे अभी भी वर्क चल रहा है, आइंस्टीन की जब डेथ हुई तो वो ग्रेविटी पे वर्क कर रहे थे कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या यूनिफिकेशन है, अगर ये हो जाती है तो एक रेवोल्यूशनाइजिंग आइडिया हम लोगों को मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी। तो हम कहने का ये मतलब कि ग्रेविटी पे अभी वर्क हो रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी की पहली डेफिनेशन है, जब पहली थ्योरी है, अभी तक उसको हमने ये नहीं, जब उसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग आई हो ऐसी बात नहीं है। वेरिएशन लेटर ऑन में थोड़ी हो सकती है इसमें, लेकिन अभी तक जिसे हम कहते हैं कि इस थ्योरी को जो लॉ है, कोई न्यू ऐसी बॉडी ऑफ लॉज एविडेंसेस को जुटला नहीं पाई है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम थ्योरीज की बात करें, जो आज तक की थ्योरीज हैं जिनको आज तक भी हमारी साइंस एक्सप्लोरेशन का बेस मानी जाती है, सबसे पहले है सेल थ्योरी। अब देखो सेल थ्योरी क्या है, कि सेल थ्योरी कहती है कि जितनी भी लिविंग बॉडीज होती हैं वो सेल से बनी होती हैं, और सेल जो है फिर मल्टीप्लाई करके जो है आगे बॉडी को बढ़ाते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी थ्योरी है, कभी लेटर ऑन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आज भी हम लोग जो है इसको कोई जुटला नहीं पाया है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है, कि जो इनहेरिटेंस ट्रेट रहते हैं ह्यूमन बॉडी में थ्रू जनरेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजिंग आती है, तो दैट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और ये थ्योरी जो है ये आज तक हमारी बायोलॉजी को स्टडी करने का बना दा पिलर है। ठीक है, हमारे पास जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जो मैटर है, ये यही कहती है कि जितना भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है। एटम का तो अपना एक कंपोजिट स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन एटम से ही सारी जो है बॉडी बनी होती है, फिजिकल वर्ल्ड में लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ठीक है, हमारे पास एक है जर्म थ्योरी, ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, ये आज भी बेस है हमारे पास किसी भी बीमारी को स्टडी करने का। हमारे पास पैथोजन रहता है, पैथोजन होता है जो हमारी बीमारियां फैलाता है, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहती है कि कोई भी जो डिजीज होती है वो पैथोजन, जिसको हम जर्म कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजा हो गया, इससे होते हैं। ठीक है, फिर उसकी स्टडी करके, जैसे अभी कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस हमारे पास एक प्लाज्मा में आरएनए डेड मटेरियल सा रहता है, जब उसको होस्ट बॉडी मिलती है तो फिर वो मल्टीप्ले होता है, और फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है। तो अभी आपने देखा कि काफी सारे एस्पेक्ट रहे हैं, तो अभी हम इसको स्टडी जर्म थ्योरी पे भी कर रहे हैं कि उस जर्म को पकड़ के उसको स्टडी करेंगे तो कैसे उसमें ओवरकम होगा, बड़ी जल्दी इसमें भी सोल्यूशन आएगी। जर्म थ्योरी के बाद हमारे पास आती है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है ये हमारे पास जिसे कहते हैं सक्सेसर है थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स का, है ना, तो ये बहुत बड़ी साइंस है, आज तक हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारी थ्योरीज एटसेट्रा जिसे हम कहते हैं कि जिन थ्योरीज को छोटे से एविडेंस चेंज नहीं कर पाते, हाँ इनमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, इनमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, इसमें नॉलेज को एनहेंसमेंट मिल सकती है, लेकिन आप कहोगे इनको चेंज करना, क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अभी जो मॉडर्न नॉलेज है वो बड़ा हाईटेक नॉलेज है, बड़े सारे लॉज और बड़े सारे साइंटिफिक एविडेंसेस के बाद ही कोई नया नैरेटिव माइंड में आता है कि ये प्रोसेस इसके कारण रही होगी। मोटे तौर पे ये बात होगी कि अब साइंटिफिक थ्योरी है और हमारे पास है साइंटिफिक लॉ, ये दोनों हमें क्या देते हैं, दोनों डिफरेंस कैसे हैं। देखो हमारे पास जो साइंटिफिक थ्योरी है, ये मान लो हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी है,
ये है साइंटिफिक थ्योरी और ये है हमारे पास साइंटिफिक लॉज। ये साइंटिफिक थ्योरी है, ये है साइंटिफिक लॉज। साइंटिफिक थ्योरी हमें क्या बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई फेनोमेना अकर, कि कोई नेचुरल प्रोसेस क्यों हुई। साइंटिफिक लॉ कहता है कि व्हाट, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है व्हाट फेनोमेना हैपेंस आर अकर, कि कौन सी प्रोसेस हुई है। साइंटिफिक लॉ कहता है कि कौन सी प्रोसेस हुई है, और ये साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि एक्सप्लेन करती है कि क्यों हुई है, व्हाई फेनोमेना अकर, ये प्रोसेस क्यों हुई है। ये हमें एक्सप्लेन करती है व्हाई समथिंग हैपन, व्हाई समथिंग हैपन, कि कोई चीज या कोई प्रोसेस क्यों हुई है। और ये करती है, ये रिकॉर्ड्स करती है, रिकॉर्ड्स व्हाट हैपन, कि क्या हुआ है, ये हमें वो बताता है कि ये हुआ है। एक्सप्लेनेशन हमें साइंटिफिक थ्योरी करती है। दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके हम कहते हैं कि रिपीटेडली सक्सेसफुल प्रेडिक्शन। अगर दोनों का हम लोग इस्तेमाल करें तो दोनों मिलके जो प्रेडिक्शंस करती हैं वो लगभग सही होते हैं, और मोस्टली सही होते हैं। जितने भी प्रेडिक्शन हम दोनों को इस्तेमाल करके करेंगे वो सही रहते हैं। तो सिंपल तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन है किसी भी फिजिकल हैपनिंग की, और वो जो किसके ऊपर बेस्ड है, सम फिजिकल लॉज ऑब्जर्वेशन के ऊपर। हम लोग हमारे पास एक अमेरिकन एसोसिएशन है ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस, वो इसको इस तरह से डिफाइन करती है कि साइंटिफिक थ्योरी एक, इसे कहते हैं कि वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन है सम एस्पेक्ट ऑफ द नेचर बेस्ड ऑन सर्टन आर ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स दैट हैव बीन रिपीटेडली कंफर्मड बाई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। और ये जो डेफिनेशन है ये मोर कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि जिसे हम लोग कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी की क्या है, कि साइंटिफिक थ्योरी एक सब्सटेंशियल एक्सप्लेनेशन है सम एस्पेक्ट ऑफ द नेचर जो बेस्ड है किसके ऊपर, एक बॉस बॉडी ऑफ फैक्ट्स, एक बहुत बड़ी बॉडी जिसमें हमारे पास सच्चाइयों, जिसे हम कहते हैं एविडेंसेस है हमारे पास, और जिसको हैव बीन रिपीटेडली कंफर्म थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, और जिसको हम लोगों ने बार बार बहुत बार ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया है। तो ये जो डेफिनेशन दी थी, ये हमें दी थी जिसे हम कहते हैं अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। तो मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल प्रोसेस का जो एक्सप्लेनेशन रहता है, जो एक्सप्लेनेशन एक वास्ट बॉडी ऑफ एविडेंस के ऊपर रहता है और रिपीटेडली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है किसी भी हैपनिंग के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक थ्योरी। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हमारे पास ये हिपोथेसिस क्या है, हिपोथेसिस आल्सो एक स्टोरी है, ये थ्योरी है हमारे पास एक, लेकिन हिपोथेसिस थ्योरी क्या रहती है कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, मैं इंडिविजुअल जो मेरा नॉलेज है उसको लेके मैं एक गेस देता हूँ, इंटेलिजेंट गेस जो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, वो गेस जो है जो मेरे नॉलेज के ऊपर है ना, इसलिए इसको भी वेरीफाई करना है। ये इसे कहते हैं कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। जितने भी हमारे पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो हिपोथेसिस के ऊपर रहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी किसी टॉपिक को स्टडी करता है, रिसर्च करता है, फिर अपना गेस देता है, साइंटिफिक गेस कि ये हो सकता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करता है, हिपोथेसिस को टेस्ट करता है, अगर वो रहता है तो फिर ठीक है, नहीं तो ये रिपीट हिपोथेसिस चलती रहती है जब तक हमें उसका कंप्लीट एविडेंस और फैक्चुअल नॉलेज ना मिले। हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंसेस होते हैं, एम्पिरिकल का मतलब होता है कि जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, मेरे सेंस के ऊपर मैंने एविडेंसेस दिए हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से मैंने प्रूव कर रखे हैं, लेकिन वो इतने जटिल नहीं है, उनको क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, साइंस में बड़ी सारी ऐसी थ्योरीज रहती हैं जिनको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उनका नॉलेज इतना स्टेक रहता है, इतने लॉज के ऊपर बेस्ड रहती हैं कि हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। जो मुझे दिख रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास डिवाइसेस नहीं है या मेरी ह्यूमन एबिलिटी नहीं है आज के डेट में कि मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊं, इसलिए हम उस नॉलेज को डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। तो ऐसे नॉलेज को जो उसको हम लोग अपने एफिशिएंसी से वेरीफाई ना कर पाए, लेकिन वो बड़े सारे फैक्चुअल को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उस साइंस को थ्रेटिकल फिजिक्स कहते हैं। और थ्रेटिकल फिजिक्स इज द इंस्पिरेशन फॉर न्यू साइंटिस्ट एंड जंग ब्रूइंग माइंड्स
कि कुछ नया करें, ठीक है। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत साइंटिफिक थ्योरी के बारे में समझाया होगा, आप इसको थॉरली एंजॉय करो, इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट में मैं यही कहूंगा, किसी भी फिजिकल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, जो किसी बेस हो, किसी फैक्ट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और जिसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से रिपीटेडली कंफर्म किया हो, दैट एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड द साइंटिफिक थ्योरी। थैंक यू डियर।